Hello student, today I am going to start a series video of domain in which I will tell you how we find a domain of a given function. तो सबसे पहले इसके लिए हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई function दिया है y equal to f of x और हम कहते हैं कि हमें इसका क्या चाहिए है, domain चाहिए है. Then domain का मतलब होता क्या है? Domain is all the value of x. X की वो सारी value for which y will be real. तो बहुत सीधा सा concept है कि अगर हमारा function दिया है y equal to f of x, तो हमें x की वो सारी value लेनी है, x की वो सारी value जिनको रखने पे फंक्शन पे रखने पे y हमारा कैसा आ जाए रियल. तो x की वो सारी वैल्यू का क्या करेंगे, एक कलेक्शन लेंगे और इसी कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे, डोमेन. देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेन, देन डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y विल बी द रियल. तो फिलहाल ये तो बात हो गई हमारे फंक्शन के डोमेन की. आगे बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया है y equal to f of x, तो हम इसका डोमेन कैसे निकालेंगे. अबाउट द डोमेन, देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूलिंग टू फाइंड अ डोमेन, देन इट्स डिफरेंट डिफरेंट. मीन्स जैसा जैसा आप फंक्शन लेंगे वैसे वैसे आपको रूलिंग वहाँ पे लगानी पड़ेगी. मीन्स द रूलिंग ऑफ अ डोमेन इज डिफर बाय द टाइप्स ऑफ द फंक्शन. पर इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी रूलिंग्स बहुत सिंपल है. सिर्फ आपको समझना है, यू शुड अंडरस्टैंड, एंड उसके बाद जैसे ही आप फंक्शन को देखेंगे आप उसका डोमेन आसानी से निकाल लेंगे. तो यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, वो काम है समझने का. तो अगर हम बात करें टाइप्स का, तो पहला जो टाइप है वो है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इफ f ऑफ x इक्वल टू k अपॉन जी एक्स. मतलब हमारा फंक्शन ऐसा होगा कि वो किस टाइप का होगा, जहाँ ऊपर क्या होगा, k विल बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, एंड डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स इज अनदर फंक्शन ऑफ एक्स. फॉर एग्जांपल हमको दे दिया गया, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू अपॉन एक्स माइनस टू, मीन्स के अपॉन जी एक्स. या हमको दे दिया गया 100 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, मीन्स के अपॉन जी एक्स. तो अगर हम बात करें इस टाइप के फंक्शन की, जहाँ पे क्या दिया होगा k अपॉन जी एक्स, एंड कहा जाएगा फाइंड द डोमेन, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डिफिनेशन की, देन व्हाट इज द डोमेन. तो स्टूडेंट डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f विल बी द रियल. यही तो बताया कि x का वो सारा वैल्यू हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे जिसके लिए f क्या हो जाएगा, रियल. x की वो सारी वैल्यू, ध्यान रखिएगा, x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए f हमारा कैसा हो जाएगा. अब एक केस की हम बात करते हैं कि अगर जो नीचे वाला फंक्शन है g ऑफ x, ये हमारा अगर ज़ीरो हो जाता है तो क्या होता है. ध्यान दीजिएगा, अगर ये ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x, ये क्या बनेगा, k अपॉन जीरो, k डिवाइडेड बाय जीरो. सम स्टूडेंट विल से दैट दिस इज इनडिटर्मिनेंट, एंड सम स्टूडेंट से दिस विल बी इनफिनिट, राइट. और ये तो आप लोगों को पता ही होगा दैट इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, इन्फिनिटी कोई भी रियल नंबर नहीं है. मीन्स इन बोथ केस, दोनों ही केस में हमारा f कैसा हो गया, यहाँ पर f हमारा क्या हो गया, नॉन रियल, नॉन रियल.
एंड हियर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए f कैसा हो रियल। इसका मतलब अगर ये g ऑफ x इक्वल टू जीरो पर ये हमारा कैसा आ रहा है नॉन रियल, दैट मीन अगर हमें इसको क्या करना है रियल, g ऑफ x कैसा होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर मीन्स means if f of x equal to k upon gx, then tab f of x is real, f of x kaisa hoga, real hoga kab, when g of x does not equal to zero। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हमारा अगर फंक्शन कैसा दिया गया है, k upon gx टाइप का दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे वाला फंक्शन यानी g of x equal to कितना कर देना है, does not equal to zero, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपका रो मिलेगा। नाउ एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल लेते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू। बहुत सिंपल सा फंक्शन उन्होंने दिया है, द फंक्शन इज वन अपॉन एक्स माइनस टू। देन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस टाइप, के अपॉन जी एक्स टाइप, राइट, एंड फॉर दिस वी नो जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। यही तो बताया कि अगर फंक्शन किस टाइप का होगा, k अपॉन जी एक्स टाइप का होगा, तो उस फंक्शन के रियल होने के लिए g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नाउ फॉर डोमेन f, f के डोमेन के लिए g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। एंड हियर अगर यहाँ पे देखा जाए जी ऑफ एक्स है क्या, यही तो हमारा जी ऑफ एक्स है, मीन्स जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स मीन एक्स माइनस टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। एंड जस्ट ट्रांसफॉर्म टू फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड एंड दिस बिकम एक्स डज नॉट इक्वल टू टू। ये मीन्स फॉर द डोमेन ऑफ एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू टू, means if we are talking about that domain, then domain is the all real numbers excepted what, 2, means x सिर्फ 2 के लिए आपको real number नहीं देगा, यानी जैसे ही आप यहाँ पे x equal to 2 रखेंगे तो 2 minus 2 means 0, यानी means 1 upon 0, and 1 upon 0 what is indeterminate, यानी f हमारा कैसा हो जाएगा नॉन रियल। तो सिर्फ x की एक वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है, इसके अलावा x के और जितनी भी आप वैल्यू रखेंगे f हमारा कैसा आएगा रियल। मींस व्हाट इज द डोमेन, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर एग्जांपल, another example, that second example, the second example is find the domain of f of x, where f of x is given 1 upon x square minus 6x plus 8, that is it. Now here for d is represented for domain, then domain of f, kab domain of f hum define kar sakte hain, when g of x does not equal to 0, and we know this is what, this is g of x, when g of x does not equal to 0, that's mean x square minus 6x plus 8 does not equal to 0. Then firstly we factorize this,
and after factorization we get x minus 2 into x minus 4 does not equal to 0. That means x minus 2 does not equal to 0 and x minus 4 does not equal to 0. That means x does not equal to 2 and x does not equal to 4. Now, if we are talking about the domain, then domain is all real number accepted what? 2 and 4. यानी 2 और 4 को अगर हम छोड़ दें तो और सारे real numbers के लिए हमारा function f कैसा हो जाएगा? Real. Then this is our answer. Another example is the third example. Now find the domain and the domain f of x is 1 upon ध्यान दीजिएगा student mod of x modulus of x minus. यहां भी सेम काम करेंगे. डोमेन f के लिए क्या करना है? G of x does not equal to 0 and we know this is what? This is our G of x. And G of x does not equal to 0, that means modulus x minus 1 does not equal to 0. And this gives modulus x does not equal to 1. And this implies x does not equal to plus minus 1. Or we say x does not equal to plus 1 and minus 1. यानि x की सभी value तो हम यहाँ पर ले सकते हैं पर plus 1 और minus 1 नहीं रह सकते हैं. That mean domain will be all real number accepted 1 and minus 1. And this is our. Now the fourth and the last example, find the domain of f of x. Student, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही interesting question है और दिया है 1 upon modulus x plus 2. बहुत ही अच्छा question है. तो इसमें भी वही ruling करना है, कोई भी नई ruling नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा function किस type का है? हमारा function है k upon gx type का. Then for domain of f, क्या करना चाहिए? gx does not equal to 0, that is modulus x plus 2 does not equal to 0. Student, ध्यान दीजिएगा, we just transform 2 from left hand side to right hand side and we will get modulus x does not equal to minus 2. अब बात करते हैं इसी equation की. Then student just think कि क्या कभी modulus of x minus 2 हो सकता है? Modulus x का मतलब क्या होता है? कि आप x की कुछ भी value रखें, बाहर कैसा निकल के आएगा? Always positive. If we are talking about modulus minus 1, its value 1. If we are talking about minus 3, its value 3. If we are talking about 3, then it will 3. Means for any value of x, we always get the positive. Then if we are talking about minus 2, then there is no x for which modulus of x become minus 2. Yani x ki aisi koi value hi humare paas nahi hai jisko modulus ke andar rakhne par kya aaye minus 2 aaye. Means agar hum domain ki baat kar rahe hain to domain hamara kaisa hoga? Domain hamara hoga pura ka pura real number. Kyunki aap koi bhi real number x jaisa rakhenge value hamesha kaisi aayegi? Positive.
और यहाँ पे सिर्फ हमको रोका जा रहा है किसके लिए, माइनस टू के लिए, यानी हमें ऐसी कोई कंडीशन मिलेगी ही नहीं जिसके लिए हमारी वैल्यू कैसी आ जाए, माइनस टू। इसका मतलब डोमेन हमारा कैसा होगा, ऑल रियल वैल्यूज, एंड दिस इज अवर आंसर। आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू, इन क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन f of x equal to 1 upon 2x plus 3. Second is f of x equal to 1 upon x square minus 5x plus 6. Third is f of x equal to 1 upon modulus of x plus 5. And the last question is f of x equal to 1 upon x square plus 2x plus 3. अगर आप इसका सलूशन देखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सी द सलूशन, तो नीचे मैंने लिंक लिख रखा है जिससे आप इसका सलूशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।